Like the video, subscribe the channel and on the notification icon. Hello guys, मैं संदीप कुमार. जैसे कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली बस का जो ऑफिशियल ट्रेलर है कुछ दिन पहले जारी हो चुका है. चलिए इस ट्रेलर के बारे में बात करते हैं. इस ट्रेलर को देखने के बाद जो इस पे देखने लायक कोई ऐसी रिएक्शन नहीं थी, क्योंकि इसके अंदर जो एक रियल स्टोरी बेस्ड स्टोरी के ऊपर जो ये मूवी बनाई गई है. जैसे कि जो दिल्ली के अंदर जो निर्भया कांड हुआ था उसके ऊपर जो एक मूवी पहले भी आ चुकी है, निर्भया के नाम से मूवी बन चुकी है, लेकिन फिर भी बॉलीवुड वालों ने दोबारा फिर से ये दिल्ली बस के नाम से मूवी एक और बनाई है. जो स्टोरी बिल्कुल सेम है, क्योंकि निर्भया कांड जो दिल्ली के अंदर हुआ था काफ़ी ही निर्दयी था और जो है काफ़ी भयानक था, जिसके बारे में पूरा देश आज जानता है. लेकिन ये बॉलीवुड सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है. बार बार मूवी के ऊपर मूवी निकाले जा रहे हैं, एक स्टोरी के किसी के जो आत्म भावनाओं को आहत पहुंचाई जा रही है. मान भी लेते हैं कि उन्होंने निर्भया के फैमिली से परमिशन ले ली होगी मूवी बनाने के लिए, लेकिन जिस चीज़ के बारे में पूरा देश जानता है और जो भी इस जो दिल्ली इस निर्भया कांड के जो भी वो थे, जो मैन अपराधी थे, वो आज जेल के अंदर हैं, जेल के अंदर वो सड़ रहे हैं और उनको सज़ा मिल चुकी है और पूरे देश को इससे शिक्षा भी मिल चुकी है, लेकिन कुछ आपजनिक या शरारती तत्व है वो अपने इन कारनामों से बाज नहीं आते हैं. उनको रोकने के लिए जो है गवर्नमेंट उचित कदम भी उठा रही है, लेकिन जो बॉलीवुड इस चीज़ को बार बार याद दिला के जो है काफ़ी लोगों के दिलों को आहत पहुंचा रहा है, खासकर उनके दिलों को जो इस चीज़ से इमोशनली जुड़े हुए हैं. दोस्तों मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं इस ट्रेलर को, क्योंकि दोस्तों ये बार बार किसी के भी दिल को आहत पहुंचा रहे हैं. आप लोगों की क्या राय, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप दिल्ली ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में क्या कहना है आपका. मेरी तरफ से दोस्तों रिव्यू के दौरान मैं यही कहूँगा कि इस मूवी को बैन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक जो है रियल स्टोरी बेस्ड मूवी है, जो एक भयानक स्टोरी सी. कुछ अच्छी चीज़ें बनाना अच्छी बातें होती है, लेकिन ऐसी चीज़ों पे जो मूवी बनाना काफ़ी गलत मानता हूँ मैं बॉलीवुड को. तो आप लोग अपनी राय दे सकते हैं वीडियो में कमेंट करके. मैं संदीप कुमार आप लोगों से गुजारिश करूँगा, हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ लेटेस्ट रोचक खबरों के साथ में. जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा.